हाय दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। इस वक्त मैं हूँ हिमाचल की एक बड़ी ही सुंदर सी वादी बरोट वैली में। नवंबर का महीना है, थोड़ी थोड़ी ठंड शुरू हो गई है, धूप दिन भर बड़ी सुहावनी लगती है। अभी चाय नाश्ता करके होम स्टे की छत के ऊपर आया मैं, तो चारों तरफ का नज़ारा बड़ा सुंदर दिखा मुझे। तो चलते हैं, फिर करते हैं बरोट विलेज और यहाँ की जो वैली है उसकी सैर की शुरुआत। बरोट वैली वैसे तो एक छुपा हुआ रिमोट सा इलाका है, मगर 1920 के दशक में अंग्रेज़ लोग यहाँ पहुँच गए थे और उन्होंने ये जो सामने नीचे देख रहे हैं आप, एक डैम बनाया, तब का बना हुआ है। और ये नीचे एक रेस्ट हाउस है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या PWD के अंडर आता है अब तो, हिमाचल के। बरोट वैली में सारे के सारे लोग छोटे छोटे गांव में रहते हैं, खेती और पशुपालन इनका मेन व्यवसाय है। और जोगिंदर नगर यहाँ से 40 किलोमीटर सबसे नज़दीकी बाज़ार या शहर यहाँ का। अब पिछले कुछ सालों से यहाँ पे टूरिज़्म बढ़ने से ये एक और इनकम सोर्स इनके लिए थोड़ा ओपन हो गया है। कुछ एक लोगों ने होमस्टे बनाए हैं, कोई होटल, कोई ढाबा। वहाँ नीचे डैम के पास ही एक छोटी सी मार्केट है। ये हर घर के ऊपर अब मक्की जो है सुखा रखी है। पहले खेत से मक्की का जो भुट्टा होता है उसको निकाल के लाते हैं, सुखाते हैं, फिर उसको चक्की में उसके दाने निकालते हैं अलग। घर यहाँ पे पक्के भी हैं नए स्टाइल के, और ये जो पुराना इनका घर बनाने का तरीका है वो वाले, दोनों तरीके के मकान है इधर। नमस्ते सर। और ये तो बड़ी कॉमन साइट है हर घर में, टोकरी घास लाने के लिए, सूखा लाने के लिए है। इनमें ज्यादा पत्थर और लकड़ी ना, और बनाया बड़ा अपने कारीगरी से। अच्छा, ये सूखा अपना डंगरों के लिए? हाँ जी, नीचे बिछाने के। अच्छा, सर्दी में थोड़ा ठीक रहता है? सर्दी में, गर्मी और सर्दी में दोनों में। आपके तो चलो दोनों मौसम ठीक रहता है, ठंडा। फिर इसी को अपना खाद डाल देते हो खेतों में? हाँ जी। अच्छा, ये तो मैं हरियाणा से जी। हाँ जी, मैं ये नीचे अपना बाजार में ना पुल के पास, तो वहीं भाई जी से बैठे बैठे भी बात करे, वो बोले देखाओ घूमो गाँव। ये मक्की फिर आप कब तक सुखाते? तब तक सुखी, तब तक। अच्छा, फिर दाना निकालते? सही है। ये घास पशुओं के लिए। पानी गर्म था जी नहाने के लिए। ये बढ़िया है नहाने के लिए, या कपड़े कुपड़े धोने के लिए? मतलब ये आपका पहाड़ी गीजर है? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ मतलब गर्म पानी के बिना आदमी रह नहीं सकते, नहीं रह सकते हाथ। सवेरे तो मतलब गर्म पानी से ही, मतलब मुँह में दोनों तो हाथ पाँव, क्योंकि आपका ठंडा इलाका है ना। हाँ जी, ठंडा। सर्दियों में तो ज्यादा पड़ती है सर्दी। हाँ जी, हाँ जी। पर आप नहीं रहा, पहले का सिस्टम, पहले का ज्यादा थी।
हाँ इतने इतने मतलब बॉडी बनाई हो ना पारे बुजुर्ग होता, अभी हमने अभी बनाया मतलब कुछ साल पहले, इतने तक बर्फ पड़ती थी, सात सात फुट तक बर्फ, तो तभी बनाए थे बुजुर्ग ने ऐसे छोटे छोटे घर। अच्छा तभी इतने अपना पत्थर की नींव देखो आप, दीवार है साइड में यहाँ गले गले तक पत्थर है, हाँ जी हाँ जी, ताकि बर्फ से फिर उसका दीवार गिरे ना या नुकसान ना हो। अब तो काफी कम हो गए होगे? नहीं अब तो कम सर, पहले तो मतलब मैक्सिमम छत भी ऐसे ही बनाते, बड़े बड़े स्लेट डालते, लकड़ी बड़े मोटे मोटे डालते थे, जब बर्फ पड़ती थी तो शस्त्र से, वो फिर जब बर्फ टूट जाती तो छत पर जाना पड़ता, फिर हटानी पड़ती थी, हटानी पड़ती थी तो गाड़ी धस जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, ऐसे इतनी बर्फ पड़ती थी बुजुर्ग के टाइम में, हमारे टाइम में पड़ती थी, हमारे टाइम में 3-4 फुट तक पड़ी। अब तो अब पड़ती है कि नहीं? पड़ती है, पड़ती है, मतलब इतनी पड़ती है 1.5-2 फुट के करीब करीब, कभी तो आधा फुट ही पड़ती है, मतलब फिर कभी कभी तो ऐसा है भाई लगातार पड़ी रहती है, मतलब थोड़े दिन के बाद, हफ्ते के बाद, फिर हफ्ते के बाद फिर मतलब पड़ी रहती है। मतलब तो उसका आपको खेती में नुकसान तो है? नहीं नहीं, मतलब ज्यादा बर्फ पड़ेगी तो अगली पैदावार ज्यादा अच्छी नहीं होती? नहीं, जितनी बर्फ पड़ेगी हमारे लिए उतना बढ़िया है। आपके बढ़िया भाई तो बोल रहा हूँ ना। हाँ वो ऐसा है जैसे हम अब आदमी बहुत सुखी हो गए, सरकार भी गलत करी, जैसे खाद यूज करते हैं, इससे जमीन हमारी जो खराब हो चुकी है, खराब हो चुकी है, जब बर्फ पड़ेगी तो जहर खत्म कर देती है, खत्म कर देगी बर्फ, ऐसी चीज ना आदमी को मतलब लग जाए ना पैर पोर में किसी हाथ में, जला देती है, लाज ही नहीं होता इसका, ऐसी बात है। ऐसे आप तो गए होंगे बर्फ आने लाके? बर्फ दे, ओके, देखता हूँ मैं पहाड़ों में कर, गया हूं। तभी मैं बोल रहा हूँ ना, पीछे भी एक गांव में एक अंकल जी बता रहे थे कि पहले बहुत बर्फ उनके बाप दादाओं के टाइम बोला गले गले तक बर्फ होती, गले गले तक, अभी काफी बोला कम हो गई है, तो कम हो गई अब तो बहुत ही, ऐसी बात है। हाँ ये बात तो है, बर्फ आएगी जितनी बर्फ गिरेगी हाँ उतना तो बढ़िया खेती में, आपकी जमीन के लिए ज्यादा, जमीन के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए भी, प्रदूषण भी हट जाएगा। ये बात स्वच्छ हवा मिलेगी हमें, अगर गर्मी में तो इंसान मतलब समझ लेंगे भाई, हम तो सहन कर ही नहीं सकते हैं गर्मी, हमारे तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। हाँ ना, ना, ना। तभी मैं कहता हूँ ना पहाड़ों में ज्यादा आनंद ही है। हाँ नहीं हम भी सोचते ना, हम तो इतने बार घूमे नहीं है, कई कई घूमे बेचारे, ड्राइविंग करते हैं बोले। हाँ। यार घर की याद आती है, हम तो स्वर्ग में नहीं है हमने जन्म। हाँ ये तो है बिल्कुल। हाँ। मैं पिछले दशहरा होता है, पिछले महीने हुआ था दिवाली के बाद कुल्लू में। हाँ कुल्लू में, तो यह मैं परेशान हो गया, कई सालों के बाद गया मैं भी, मैं पहले गया था, फिर मुझे पैरालाइज पड़ गया, मैं जरा नहीं रहा घूमने के लायक, एक ड्राइवर बंदे ने बोला चल यार साथ ही चलते, मैंने कहा चलो चल पड़ते है, घर में भी टाइम पास नहीं होता वहाँ। हाँ। तभी देखा मैंने क्या मनाली बन गया, क्या कुल्लू बन गया, पतली कुल्लू बन गया। कुल्लू से मनाली के बीच में तो खाली जगह नहीं है? नहीं 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 नहीं, मुझे कुल्लू का लग गया भाई, वहा लंबा से आया, बहुत लंबा हो गया ना, अब तो बिल्डिंग है देखो बहुत बन गई, बहुत बहुत आगे, मतलब यहाँ से हम जूनू नगर पैदल जाते थे, हमारे बुजुर्ग हम भी गए अपने टाइम में, जब हम 17-18 साल 15-16 साल के बाद हो तो हम पैदल जाते थे जूनू नगर। हाँ जोगिंदर नगर बताते हैं। हाँ जी हाँ जी, यहाँ से पहाड़ी के ऊपर जाना, फिर चोटी के ऊपर नीचे उतरना, आप बोलता है इंसान 2 किलोमीटर जाना था गाड़ी करता या बाइक करता या गाड़ी में, भैया कर फोन करो गाड़ी में जाना, चाहे पैसा बर्बाद कर लेना, वही तो पैदल चलना ही नहीं, चलना नहीं बोलते, इतना इंसान जो है बेकार बन चुका है। आगे देखो बुजुर्गों ने यहाँ से जाना पालमपुर तक केस लड़ते थे, पैदल ही जाना, पैदल ही जाना होता था, पैदल देखो उनका स्टैमिना कितना था, राशन पानी लाना, राशन पानी बाजार से सब, जूनू नगर से आता था पहले राशन, तो खुद मतलब हमारे बुजुर्गों में नहीं ढोया वो सामान, तो राशन पानी मतलब वो भी लाते थे वहीं से, वही तो वो जमाना ही और था। हाँ और नहीं सर, वो जमाना मुझे बहुत अच्छा लगा। छोटी छोटी पतली पतली गलियां होती है पहाड़ी गांव में, और उसी के दोनों तरफ सारे गांव के घर बने होते हैं।
अंदर ही पशुओं का। नमस्ते, ठीक हो? नमस्ते जी। ये नीचे डैम 1920 का बनाया हुआ है और उस दर वाला ऊपर जो गांव है वहां पे था भी मैं, वहां से आ गया हूँ नीचे। तो मैं कहा डैम के साइड से घूम के इधर जंगल के किनारे किनारे नीचे से पैदल रास्ता है और उधर ऊपर एक और गांव है, वही असल में एक्चुअल में मेन बरोट बोलते हैं उसको। ये जो नदी है नीचे इसका नाम है ऊअल नदी और इसी पे ये छोटा सा डैम बनाया हुआ है। इसके ठीक इस तरफ काफ़ी घना एक जंगल है तो उस तरफ जो धूप है वहाँ तो बढ़िया लगता है और इस तरफ आते ही एकदम से ठंडी हो जाती है, काफ़ी गहरी छाया है ना। डैम से थोड़ा आगे आने के बाद नदी के उस पार बरोट का जो मेन बाज़ार है जिसको कह सकते हैं वो है और इस तरफ आगे वे ऊपर चढ़ के बरोट गांव रह जाता है। वहां से सीढ़ियां चढ़ के मैं पहुंच गया हूं गांव में। यहां से पूरी बरोट वैली का ये सुंदर नज़ारा और गांव के शुरुआत में बना हुआ है यहाँ के देवता का मंदिर, कितना सुंदर तरीके से देखो पूरा का पूरा डिज़ाइन इन्होंने बनाया हुआ है। ये क्या सुखाया आपने? ये तो अरबी होती है ना, अरबी। हाँ हाँ, उसके हैं ये पत्ते पीछे के। अच्छा, ये भी सब्जी बनाते हो आप? हाँ, सर्दियों में काम आती है सब्जी। अच्छा, सर्दियों के लिए सूखी सब्जी, ये अच्छा है। नहीं, वहाँ उधर तार पुल के पास ना होम स्टे है, उसमें तो यहाँ हर घर के आगे लकड़ी घास सूखा। ये छोटा सा मंदिर है, इसमें रोज सुबह शाम पूजा करते। ये मंदिर है ना, यहाँ जनाब बढ़िया मस्त धूप में आराम कर रहे हैं। ये देखा, इतने बड़े बड़े पेठे। हाँ हाँ, पर ऊन तो काफी इसका अच्छा दिख रहा है ना। हाँ, बढ़िया बनता था ना, अब नहीं। अब इन्हें बुजुर्ग बनाते थे, अभी नहीं बनाते। अब नहीं बनाते, नहीं। बाबा बालकनाथ है ना जी। अच्छा, गाय पशु नीचे वाले में ही रहते हैं? हाँ जी। ये कमरा नीचे वाला पशुओं का? हाँ जी, ये सही है। अच्छा, नीचे डंगर ऊपर अपना। हाँ जी, हाँ जी।
बड़ा बढ़िया काम है ये तो। तो यहाँ देखो, यहाँ से पूरा आपको एक सिंपल आर्किटेक्चर, यहाँ ऊपर वाला परिवार के रिहाइश के लिए, नीचे पशुओं के लिए, सामने छोटा सा आंगन, और यहीं पे आंगन में देवता का मंदिर, यहीं फिर आंगन के सामने ही छोटे छोटे खेत, सब्जियां लगाई, ऊपर उधर चारा पशुओं का स्टोर किया हुआ, वही चराते हैं। और यहाँ इधर बालकनी में आंटी जी नमस्ते बैठे बैठे लंच कर रहे जी। ये क्या सर, ये जो गोल गोल टोकरी से टोकरी ये बेंज की बनाई है? नहीं, हाँ ये कोई शादी शुदी होते पहले चावल धोते थे इसमें। अच्छा। अब चावल वाल बढ़िया आते हाँ। अब नहीं धोते, अब सीधा है। अच्छा तो इसमें चावल धोने का काम होता था। हाँ जी, ये हल है ना, ये हल है, बैलों के पीछे जोतते हैं इसको। अभी काम आता ही है, हैं? हाँ, जुआ लगाते हैं, जुआ बोलते हैं ना जी। तो अभी जो आपका है बैल वैल वाला काम? अब नहीं है, वहाँ मैंने तो ट्रैक्टर रखी है। अच्छा, अब ट्रैक्टर, छोटे हाथ वाले ट्रैक्टर? हाँ, छोटे हाथ वाले। अच्छा अच्छा, अभी खेती फिर उसी से होती है? दो तीन किस्म के तो होते हैं ट्रैक्टर, एक हाँ। तो बड़ा होता है ना, वो तो फिर है ना सारा वो बड़ा आ गया, बड़ा छोटे खेत में तो छोटे खेत है ना। हाँ हाँ, किसी का मान लग बिघे के हिसाब से होता है। हाँ, उसमें बड़े ट्रैक्टर लगते है। हाँ, जैसा खेत वैसा ही साधन। साधन स्वेटर किसके? आप अपने वास्ते? अपने ही वास्ते, बच्चों के वास्ते भी है? बच्चे कहाँ पहनेंगे ऐसे स्वेटर? हाँ, आजकल वाले नहीं पहनते ना वो जैकेट, पुराने आदमी पहनते। हाँ, पर ये होती भी अच्छी, गर्म ज्यादा है ना। सही है, अभी ठंड का टाइम है, बैठे बैठे धूप में एक आधी स्वेटर बना ली है। कितने दिन में बन जाएगी एक स्वेटर? मोटे वाले दिन लगेगी इसको तो। कितना? महीना भी लग सकता, बुन के तो महीना भी लगेगा। हाँ चलो, तब तक ज्यादा ठंड आएगी उससे पहले बन ही जाएगी। बन जाएगा। और क्या, यहाँ इस घर में तो बाहर ही ये लकड़ के सारे बेल है, ये मीठे करेले की, मीठा करेला आपने नहीं देखा तो ऐसा होता है, इसकी भी सब्जी बनाते हैं। अच्छा, और यहाँ मैंने ये देखा, ये मंदिर आपके हर घर में एक होता है, हैं? ये अपना देव बाबा बालकनाथ का, सुबह शाम यही पूजा, ये अच्छा है। ये कौन सा अनाज है? मंडल। इसकी क्या बनाते हैं आप? रोटी। रोटी बनेगी खाने के लिए? अच्छा। हाँ। अच्छा, खाने के लिए रोटी। तो इसको इसी में पीसोगे या और कोई चक्की? नहीं, चक्की में। अच्छा, मशीन में? चक्की में। चक्की होती है तो करा तो। हाँ हाँ हाँ, वो ऐसे हाथ वाली भी होती है। अंजी, अंजी। तो ये अनाज आपके इधर ही होता है फिर? उत्तराखंड में देखा था मैंने, वहाँ पे मंडुआ होता है। ये सेम, सेम ही है? अच्छा अच्छा, ठीक से मंडल मंडुआ। अरे वाह। अच्छा, आपकी भाषा में कोदरा? हाँ चलो, बनास तो एक ही हुआ पर बोली के हिसाब से भाषा बदल। तो यहाँ तक था इधर गांव का इलाका, बाकी अब इस तरफ नीचे सारे के सारे खेत है। तो कितना सुंदर, देखो कितना सिंपल सादा जीवन। तो ये थी हिमाचल की बेहद खूबसूरत बरोट वैली, और बड़ा अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, खासकर यहाँ का जो विलेज लाइफ है
वो मुझे बहुत अच्छा लगा, इतने अच्छे लोग हैं यहाँ के। तो आपको भी कभी मौका मिले आना इस तरफ, आई एम श्योर कि आपको बड़ा पसंद आएगा ये इलाका। इतने सारे कुदरती नज़ारे हैं, जंगल है, नदी है, पहाड़ है, इतनी साफ हवा और पानी यहाँ का। तो अब चलते हैं आगे सफ़र पे।